सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे। और हाँ, घंटी ज़रूर दबा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम है आपका लाइव विद अनुषा इकरा में। मैं हूँ अनुषा और कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ, मजे में हूँ और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हूँ। तो भाई जैसे कि आपको पता चला होगा थोड़ा ब्लॉग के शुरू में कि मेरे पेपर हो चुके हैं आज ख़त्म, फाइनली रिलैक्स हो गई हूँ मैं 10-15 दिन के बाद। बट जो असल पेपर जो फाइनल टर्म जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, तो वो अभी रहता है। ये हमारे मिड टर्म हुए था, फाइनल है, लेकिन चलें उसमें भी इंशाल्लाह हम पास हो जाएंगे। अभी तक मेरा रिजल्ट ही आया क्योंकि आज ही मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं और मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ। और मम्मा ने मुझे बोला है कि आज मेरे लिए कोई सरप्राइज़ बनाएंगी, वो उन्होंने कोई सरप्राइज़ प्लान किया है कुछ मेरे लिए, और मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं पता है कि मेरे लिए बनने क्या जा रहा है। सो गाइस, तो जैसे कि अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ और मम्मा मेरे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है और वो मुझे नहीं पता है कि वो क्या है। और पापा ने भी मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है जो वो कह रहा है मुझे अभी नहीं मिलेगा, कुछ दिनों बाद मिलेगा, तो वो भी मुझे नहीं पता है। और जो भी होगा पता नहीं चल जाएगा, आप लोगों को भी पता। और ये एक ना देखो कैसे लटकी हुई है। और मेरे नए नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत वेलकम। और मेरे चैनल में खुश आमदीद, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो देखो लाइक करके जाना और कमेंट भी करके जाना। सब्सक्राइब तो किया ही होगा आपने। और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स, मेरा फेस इतना बड़ा आ रहा है जितनी मैं करीब आ रही हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो, और जितनी मैं दूर जा रही हूँ तो मेरा फेस स्मॉल। ओ भाई मैं आप लोगों से हूँ नाराज़, और वो मैं इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख के जाते हो, कमेंट भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। ये कितनी बुरी बात है, आपकी वीडियो पे कमेंट भी करना और लाइक भी करना, ऐसे ही नहीं जाना। ओके मैं वेट करूँगी, और अगर नहीं किया ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी फिर। और आप कमेंट्स में ये भी बताओ कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊं, क्योंकि अब मैं हूँ रिलैक्स और आप लोगों की जो जो आप लोग वीडियो बनाने का कहेंगे मैं उसको पूरा करूँगी और वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ आप लोग करें। तो अब मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मेरी एक सब्सक्राइबर है और उनकी आईडी जो है वो इस नाम से है, इकरा राजपूत। तो इकरा आप ही वो जो आपने रिक्वेस्ट करी थी कि आपने बिरयानी की रेसिपी नहीं दी, तो वो बनी रखी हुई है मेरे पास फुल वीडियो, बट मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो इकरा आप ही प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लें। एक नई सुबह के साथ आप लोगों के साथ हम हैं। चुप, अब जो है हम लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। बैटिंग कौन कर रहा है? ये शायद आफरीदी बैटर, और वो बॉलिंग हो रही है। अब देखते हैं मैच कंपटीशन रिलेटेड। पागल हो गए वो। यार ये क्या था? मेरा सर फट जाता अभी। यार मोहित भाई आप अच्छा कर रहे हैं बैटिंग। मोहित भाई बैटिंग करेंगे आप। इकरा इकरा तू वीडियो बना, मैं जरा ना वो करूंगी। प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैंने खाने में बनाया है आलू मटर के चावल। तो आइए खोलते हैं अपने पतीले का ढकना। तो पतीला, भगोना, देगचा, जो भी आप लोग कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह मेरे अल्लाह पाक की शान, तो बड़ी ही खूबसूरत ये आलू मटर के चावल पके हैं। तो मैं अब इनको डिश आउट करने वाली हूँ और इसको मैं चला के दिखाती हूँ आज मैंने खाने में बनाए हैं।
आलू मटर का पुलाव। तो आ जाओ भाई, जिसको भी खाना खाना है। निकाल रही हूँ ऊपर भेजने के लिए आलू मटर के चावल। तो इकरा देकर आएंगी है? इकरा यस। आप देकर आओगी? यस। और ऊपर कौन आया भाई? मेरी पप्पा आई है। कौन सी भाई? बड़ी पप्पा आई है, छोटी, सबसे छोटी पप्पा आई हुई है। उन्होंने फरमाइश करी है कि बाऊ बेगम के आलू मटर के हाथ के चावल खाने। तो भाई हमने बनाए हैं आलू मटर का पुलाव, तो आइए अब इसको डिश आउट करते हैं। तो भाई ये मैंने निकाल लिए हैं चावल, और अब इसको मैं थोड़ा सा गार्निश भी कर दूँ ना। तो ये लो, ये हमने डाल दी इस पर ब्राउन प्याज। इकरा इसका ढकना देना, और अब इकरा इसको ढक रही हैं ताकि ये ढक के लेके जाएंगी। पहले सैलेड लेकर आओ। सैलेड? हाँ। तो ये मैंने बनाया है सैलेड, और ये सैलेड और ये चावल जो है दोनों ऊपर जा रहा है। तो ये आप लोगों को मैं दिखा दूँ, और ये जो है ना इकरा और हादी लेके जा रहा है, और हादी को आ गई शर्म। तो हादी तो फौरन कैमरे से जा चुके हैं। इकरा आप लेके जाएंगी? हाँ। हैं, हादी को शर्म आ रही है? हाँ। चलो तो फिर हादी जो है ना कैमरा बंद होने के बाद ही इसको उठाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी दस्तखान पे। तो आज मैंने मशीन लगाई हुई थी और कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से आज मैंने कॉर्न सूप भी बनाया है। और ये मेरे और मेरे हस्बैंड आए हुए थे लवली, वो किसी काम से आए थे तो कहने लगे कि बस मैं जा रहा हूँ, मेरी वीडियो नहीं बना। तो आज मैंने क्या बनाया अनुषा? सूप, चिकन कॉर्न सूप बनाया है, इसमें कॉर्न भी ऐड किए हैं। तो भाई अभी ये नहीं निकली अदरक, अच्छा हुआ दिख गई। डिश आउट के टाइम पे जो है ना वो हो जाती है, हालांकि मैंने इसको स्ट्रेन किया था, उसके बावजूद भी ऐसा हो जाता है। चले कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया है, और अब मैं ऊपर भिजवा दूँ पहले। लाख निकालो क्या ना ऊपर भेजने के लिए। हेलो हेलो, ये हमारे आप लोगों के लिए मैं लाई हुई है कुछ चीज़ें, और मम्मा यहाँ जो है ऊपर के लिए डिश आउटिंग कर रही हैं। तो अब यहाँ मम्मा निकाल ली है, मैं ऊपर भेजने के लिए निकाल रही हूँ। और ऊपर कौन जाएगा देने? इकरा। अब इस हमारे इसमें भी बड़ा बहुत दफ़ा से मैं जा रही थी। अब अच्छा, मम्मा विक्रा को आप बुलाएं और उससे हाथ भिजवाएं। इधर आओ, मम्मा बुला रही है। मेरी बात नहीं, कभी भी नहीं सुनती है, ये सिर्फ मम्मा की बात सुनती है। तो अब विक्रा ऊपर जाएगी इसको देने। अच्छा, ये वाले जो इनकी फूफो जानी है वो क्या करती है? उनको वो अच्छी नहीं लगती, डाल देती है सॉस सोया सॉस, कुछ भी ऐड नहीं करती, और वो विनेगर वो खुद ही डाल लेती है। चलो खुद ही भिजवा दो। तो वीडियो में देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस। तो अब ये अनुषा अपने लिए लेके जा रही है, ये देखो ये इन्होंने अपने लिए निकलवाया। हाय हाय बाय बाय शाय। और फिर ये किचन का हाल ये हो गया है, तो अब इसको साफ करते हैं भाई। तो आ जाए भाई, जिस जिसको भी गरम गरम सूप पीना है, चिकन कॉर्न सूप, और इसमें मैंने चिली सॉस सोया सॉस और वेनेगर सब ऐड कर लिया है, और मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती। तो भाई किस किस का दिल जा रहा है सर्दियों में चिकन कॉर्न सूप पीने का? वाह यम्मी।